नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। सामने देश की तरक्की का रोड मैप है तो चुनौतियों से पार पाने के लिए पथरीली राह भी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 10 साल के दौरान विकास की नई कहानी लिखी गई। अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में ऐतिहासिक काम हुआ है। तीसरे टर्म में 8.2% की जीडीपी के साथ ही विकास दर को आगे बढ़ाने के साथ ही देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी होगी। सरकार बन जाने के बाद भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही दोस्ताना कायम रहेगा, इसकी गारंटी शायद ही हो, जिसकी वजह भी है वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, वक्फ बोर्ड खत्म करना और सीएए को पूरी तरह लागू करना। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए में एक राय बनाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा है। सवाल है, एक जब बीजेपी अपने कोर इशू पर आगे बढ़ेगी तब सहयोगी दलों का रवैया कैसा होगा? खासतौर से जीडीपी और टीडीपी जैसे बड़े सहयोगियों को मनाना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ये राजनाथ सिंह जी ने चुनाव के दौरान बयान दिया है कि इसमें जो कुछ कमी खामियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मूलतः राजनाथ जी का वक्तव्य चुनाव के दौरान, जिसको मैंने दोहराया। निश्चित तौर से वो जो जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं, पिछली बार की जो सरकारें थी वो सरकार तो स्पष्ट बहुमत की थी, इस बार जोड़ तोड़ की सरकार बना रहे हैं। टीडीपी से अलग इन्होंने लिया समर्थन, जेडीयू से अलग लिया, अन्य दलों से, तो मैं समझता हूँ कि जोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पर जो चीज़ें इन्होंने पिछले दो कार्य समय किया है, मुझे लगता है कि निश्चित उस तरीके की चीज़ें आगे जो इनकी जिस तरीके से काम करने की सोच है, मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। इस नाते क्योंकि जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो निश्चित तौर से उनकी सोच अलग है, उनके काम करने के तौर तरीके अलग हैं, उनकी विचारधाराएँ अलग हैं। पिछले 10 सालों के दौरान बीजेपी को पूर्ण जनादेश मिलेगा, जिसकी वजह से पीएम मोदी कई बड़े फैसले ले पाए थे। मौजूदा वक्त में गठबंधन की सरकार है, एक देश एक चुनाव हो या जनसंख्या कानून, सभी को सांसद से लेकर गुजरना पड़ेगा। उसी संसद में बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है। ऐसे में साफ है बीजेपी को हर फैसले के लिए सहयोगी दलों को भरोसे में लेना होगा। तो एनडीए का अध्यक्ष है तो एक तिहाई प्रधानमंत्री है, क्योंकि एक इंजन तो नायडू के हाथ में है और एक इंजन नीतीश कुमार के हाथ में है, और नीतीश जी तो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्टीयरिंग व्हील भी ले सकते हैं, अब जानते हैं ना। तो ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो स्वेरिंग इन तो एक ड्रामा है, कल बिल्कुल तो हमारे शान नहीं देता, इनको जो जनादेश नहीं मिला है। इंडिया अलायंस की सरकार पर हमलावर होने की वजह भी है, मसलन नीतीश और चंद्रबाबू के टूटने से इनकार कर दिया है, लिहाजा विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार चलाना बड़ी चुनौती होगी। इसका इशारा भी मिला जब एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपनी डिमांड रख दी। तो आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई। और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए।